Now, what do we do, sir? Next, you know, would you make a presentation or? Okay. Yeah, please. दिल्ली में थे, JNU में, DU में और गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोगों ने बातचीत अपनी रखी और फिर अभी हैदराबाद में हम लोग हैं। आज आखिरी दिन है और इसके बाद हम लोग चेन्नई में जाएंगे, चेन्नई और त्रिवेंद्रम में। आखिर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हम लोगों को महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी हम लोग सिर्फ गुजार रहे हैं, हम लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। और जो ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं तो उसके पीछे सबसे अहम मसला आता है कि एक आप कह सकते हैं कि वक्त की गरीबी पहले से बढ़ गई है। यानी बाकी सारी जो हमारे अंदर जो किसी चीज़ की कमी होती है वो सारी कमियां तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हमारे बुनियादी ज़रूरत है कि हमारे पास वक्त हो। और वक्त तब तक नहीं रहेगा जब तक कि हम सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ काम पे लगेगा। यानी जैसे कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राज की चीज़ नहीं है कि वो सबसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए खिलौना नहीं होती है, जैसा कि लोग बताते हैं शुरुआत में। और ना ही सिर्फ ये होता है कि उससे इंसान को वो सबसे नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसका रास्ता दिखाएगी कि वो कैसे अपने आप को अपने जो उसकी पोटेंशियलिटी है उसको कैसे उसको हकीकी शक्ल दे सकती है। इन दोनों से परे अगर हम टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखेंगे तो इसी के बारे में होती है कि कैसे काम नहीं करने के बहानों को दूर किया जाए। और इसीलिए टेक्नोलॉजी हर बार का उसका दांव उल्टा पड़ता है। सबसे नई टेक्नोलॉजी आती है और ये वादा करती है कि कैसे इस वक्त बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। और थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि काम के घंटे घटने के बजाय उल्टा हुआ है, बढ़ गए हैं। आज हम अपने बेडरूम और बाथरूम से काम करते हैं। तो ये सवाल हमारे लिए है कि कैन वी सर्वाइव वर्क, क्या हम लोग काम से हम लोग ज़िंदा बच पाएंगे? क्या कैन वी सर्वाइव करियर, क्या हम लोग करियर से ज़िंदा बच पाएंगे? कैन वी सर्वाइव सिविलाइजेशन, क्या हम लोग तहजीब और तमद्दुन से ज़िंदा बच पाएंगे? क्योंकि इन सवालों को हमें महसूस होता है, जहाँ तक हमें पता है आज तक किसी ने नहीं उठाया है। मैं सिर्फ दो नमूने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहला कि आज से 30-40 साल पहले अगर किसी लड़के ने 50% मार्क्स उसे आए तो पूरे गाँव में हीरो हुआ करता था, यानी हमारे दादा के ज़माने में। और उसके बाद का ज़माना आया कि आपको 60-70% नंबर आते हैं, तब आप हीरो होते थे। हमारे ज़माने में आप 80% लाते हैं तब आप हीरो होते थे। और आज क्या हाल है? 100% नंबर लाते हैं तब भी इसका कोई ठिकाना नहीं है कि आपको कहीं दाखिला मिलेगा। इससे बड़ा एक सब मिला जुला पागलपन क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बेतुक, यानी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे 30% रफ्तार है ऐसे नई उम्र के लड़कों की, जो कि हमारे जो इम्तहान होते हैं सेकेंडरी स्कूल के, उसके पहले वो खुदकुशी कर लेते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को पर सवाल ही नहीं उठाया जाता है, वो वैसे लड़के होते हैं जो कि अच्छे खासे खाते पीते घरों के होते हैं। जो लोग खुदकुशी करते हैं वो काफ़ी कम उम्र के लड़के होते हैं और पढ़े लिखे घर के होते हैं, खाते पीते घरों के, जो पॉश कॉलोनी होते हैं वहाँ के, वो खुदकुशी करते हैं। वो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले माँ बाप के लड़के नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादातर तादाद ऐसे लड़कों की होती है। यानी कि जिसके पास है वो खुदकुशी कर रहा है, जिसके पास नहीं वो खुदकुशी नहीं कर रहा है। ये उल्टी तस्वीर कैसे आई? क्योंकि जिसको आप आज तक बता रहे थे कि ये हमारे लिए, ये हमें निजात दिलाएगा, जैसे जैसे हमारे अंदर एक मिडिल क्लास सामने आएगा, पढ़ा लिखा, जिसके पास कोई कमी नहीं होगी, जिसके पास पीने का पानी होगा, सर पे छत होगी, खाने के लिए खाना होगा और पहनने के लिए कपड़ा होगा और बिजली पानी सड़क हो जाएगी। साहब, उन सारे ख़ास करके उन्हीं जगहों पे आप खड़ा कर रहे हैं। सवाल इसका नहीं है कि किसे किसे करियर का, जिन्हें करियर बनाने का मौका मिल गया उनकी ज़िंदगी तो झाँक के देखें। यानी आप 100% नंबर ला रहे हैं तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो इसका माने है कि अगर हम लोगों के अवाबो अजदाद ने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया कि करियर हमारा दुश्मन है, तो हमें 80% नंबर लाने पड़े। हमने नहीं सवाल खड़े किए तो हमारे बच्चे जो उन्हें 100% नंबर लाने पड़ रहे हैं। हम नहीं सवाल खड़ा करेंगे तो हमारे बच्चों को 150% नंबर लाने पड़ेंगे। यानी उनकी गलती ये थी, मैं सीधा गलती नहीं कहूँगा शायद, कि इस कोई अच्छी नौकरी या बुरी नौकरी या अच्छा करियर या बुरा करियर कुछ नहीं होता है, वो हमारा दुश्मन होता है। यानी हमारे ज़िंदगी में काम और करियर बहुत हाल में आए हैं। सबसे हाल में ये पिछले 100-150 साल में धीरे धीरे हमारे काम के घंटे बढ़ते चले गए हैं। एक दूसरी बात जो हम लोग यानी जैसे कि हम लोग करियर से बचें कैसे, यानी करियर हमारा दुश्मन है ना कि करियर हमें निजात दिलाएगा, अगर हम कुल मिला के देखें तो साफ ये बात सामने आती है। दूसरा सवाल यह है काम का। आप जोड़ लें आज से मुश्किल से 50 साल पहले घर हमारे ख़ानदान बड़े हुआ करते थे और उसमें बाप दादा फिर दूर के रिश्तेदार और फिर यानी मैं सिर्फ मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। और तब क्या होता था कि 8 घंटे एक मर्द जाता था काम की जगह पे, काम करता था, लौट आता था। वो पुराना जहन्नुम था। मैं नहीं कहूँगा कि वो अच्छी बात थी, लेकिन मैं सिर्फ काम के घंटे के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पुराना जहन्नुम था। उसमें था क्या कि वो 8 घंटे काम करने से जैसे तैसे काम चल जाता था, चलते हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि मीडिया एक वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करती है, या बट आई कांट मेक इट लाउडर, हाउ कैन मेक इट, ओके एनीवे। तो मैं ये कह रहा था कि मीडिया को जो हम लोग मान के चलते हैं कि ये आपस में जनता के बीच में एक संवाद एस्टेब्लिश करने का काम करेगी, करती है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि मीडिया एक वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करती है, और ये वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मीडिया ये हमेशा के लिए एक स्टेट सिस्टम की जो बात होती है वो जनता तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा मीडिया का दूसरा कोई रोल नहीं है। मीडिया का अहम रोल यही रोल है कि वो इस सिस्टम को जस्टिफाई करे, वो एक स्टेट की बात को जनता तक पहुंचाए कि स्टेट कैसी एक जस्टिफाइड चीज़ है, स्टेट कैसी आपके ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सिस्टम आपके लिए कैसे बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सिस्टम के लिए आपको खटते रहना, काम करते रहना, मरते रहना, आपकी खुद की, आपके पहले की, आपके आने वाली पूरी जमातें जो है उसमें डालते रहना, ये मीडिया का मेन काम होता है। हमारी कोशिश ये है कि ये जो मीडिया का जो मामला है, जो मसीदा जो है, इसको हम लोग कैसे हल करें, कैसे हम लोग इसको जनता के बीच में डायलॉग एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या उसका कोई इस्तेमाल कर सकते या नहीं कर सकते, इसके ऊपर चर्चा करें, इस पे रिसर्च करें, इसके ऊपर क्रिटिक करें, इस पे सोचें। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप लोगों से हमें चर्चा करने का मौका मिला। आप भी भैया लोग इसमें सोचिए और हम एक दूसरे के साथ में मिल के इसमें क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बारे में आगे बढ़े। मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आपके पास होगा तो मैं उसका ज़रूर स्वागत करूंगा, मेरे पास मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर करूंगा। हम लोग इस प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन जो है ये आपस में बाँटें, और इन्फॉर्मेशन के बीच में जो मीडिया सबसे बड़ा जो रोड़ा बन के खड़ा हुआ है इसको हम लोग ऑन द कॉन्ट्री तोड़ने की कोशिश करें। मीडिया का मेरा मतलब है जो कॉरपोरेट के हाथ में मीडिया है, जो स्टेट के हाथ में मीडिया है, जो और अनेक अनेक प्रकार के लोगों के हाथ में एक वन साइडेड जो मीडिया होता है, ऐसा ना करते हुए उसको ऑल साइडेड, ऑल परवेजिव कैसा बनाया जा सके, इसकी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Alternative viewpoint, an alternative perspective, and three of them have given their very beautiful perspectives. We may agree, we may disagree, or we may agree to disagree. We don't know. But I now open it for discussion. Anyone can ask. आपने नहीं बताया मैं प्रोफेसर रॉन्ग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आप भी देखेंगे, आप फ्लाइट से आएंगे तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, आपके पास लैपटॉप होगा उसको इस्तेमाल करना है। आजकल हम घिरे हुए हैं सब कुछ, और फिर आप कहना हम काम करना छोड़ दें या इंडस्ट्री जो भी है जो उसका डिमांड है उसको भी कर दें, तो फिर उसी ज़माने में हम चले जाएँगे जिस तरह से भूखमरी होती थी, हम लोग भूख मरते हमारी जिंदगी, और फिर घूम करके साइकिलिंग सिस्टम हो जाएगा पूरा। आखिर उससे हम निकले कैसे, क्या आपके पास use aeroplanes to come from Delhi to Hyderabad, and we use internet. Without that, we cannot leave. Who are arguing that for the viewpoint that we should abandon it all, then we shall go back to the stage where life was full of poverty and misery. And so, is there any solution that you want to propose? Well, first of all, let me say, I'm going very unwillingly into the technosphere. I don't have a cell phone. I don't do Facebook. You don't have a choice about these things. I mean, we could sit in a cave, but then we wouldn't be able to try to contribute anything if we did that. इसका तर्जुमा ये है कि मेरे पास मैंने कोई Facebook नहीं बनाया है, मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता हूँ, यानी ये सारी बातें मैं अपने दिल को मार के करता हूँ। लेकिन मैं अगर जाके कहीं किसी गुफा में बैठ जाऊँ तो फिर ये बहस और बातचीत भी हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो हल होगा वो साथ मिलजुल में ही होगा। And the other point, I think if we look at prehistory, and we're not taking prehistory as a model, but prehistory was face-to-face community. It was egalitarian, generalizing here. Very, not much work compared to the work, how much we do, tiny amount. Women weren't objectified. I mean, it sounds like utopia, but that's what anthropology teaches us. So it wasn't a life of misery. No wars, they didn't have organized violence. That was before domestication. After domestication, it all goes south. यानी अगर हम लोग तहजीब और तमद्दुन के आने से पहले वाले ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो उसके बारे में सबसे नए जो रिसर्च हुए हैं वो साफ दिखाते हैं कि पहले के उस दौर में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, या जो आज की लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज पावर होता है, यानी उस तरह की चीज़ नहीं थी। यानी उस वक्त जो एक ख़ास किस्म का बैलेंस था इंसान और कुदरत के बीच में, सबसे लंबा दौर वही था। यानी और दूसरी बात कि उस दौर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, औरतों को जीन्स के तौर पर नहीं देखा आता था, और आपस में सब में बराबरी होती थी, और सब चीज़ सारे लोग चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। और वही दौर इंसानी तारीख का सबसे लंबा दौर है, तहजीब और तमद्दुन वाला दौर मुश्किल से पिछले सिर्फ पाँच फीसदी है पूरे इंसानी वजूद का, जो धरती पे 2 मिलियन साल रहा, उसमें से सिर्फ सबसे आखिरी दौर जो है तहजीब और तमद्दुन का दौर है। सबसे लंबा दौर जो है वह उस बैलेंस के बारे में है जो कि उन लोगों ने मेंटेन किया इंसानी दुनिया के साथ और कुदरती दुनिया के साथ, जो कि आज के तहजीब और तमद्दुन ने दोनों नहीं किया। तो इसके बारे में है इनका कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। The solution is to get rid of all this. Yes, literally, to get rid of all this and return to the earth, return to contact with each other. I mean, the idea of immiseration, it seems like today is the immiseration, at least in the West, more than in India. You know, where people can't sleep, they need drugs for sexual function, they need drugs to ward off anxiety attacks, depression. The suicide rate is climbing. That sounds like misery to me. यानी मगरिब में लोग परेशान रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ताकत की दवाइयाँ लेते हैं, और जैसे लोग इस पर गोलियाँ चलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के साथ आई हैं, तहजीब और तमद्दुन के साथ आई हैं, जो जदीद की है। इन सबों से बचने का तरीका ये है कि हम इन सबों को जब तक कि छोड़ेंगे नहीं, यानी धरती से सीधा रिश्ता, इंसानों से सीधा रिश्ता, ये दोनों कैसे मुमकिन है, यही हमारा शुरुआत करने के लिए एक सबसे अहम नुक्ता हो सकता है कि वहाँ से हम शुरुआत करें कि ये चीज़ें आएंगी कहाँ से। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम उसकी बड़ाई करते हैं जो उसके पहले की ज़िंदगी थी, लेकिन यह है कि हम वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस न्यू टेक्नोलॉजीज। तो क्या इनको हम तर्क करके इंसान की इस दीवाना ख्वाहिश को खत्म कर सकते हैं? So he is asking that man has this innate capacity to build something new. So this innovativeness of mankind, and that's why we have this technological development. Do you want to give up all that away if you are questioning civilization? Not a timeless thing. This innovation we're creative, we're always developing something new. That's very recent. For 2 million years, that was not the case with humans. Maybe because they had a workable solution. We need to change things all the time in an effort to fix things. But it's only making it worse. It isn't fixing things.